स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला सीरियल क्या कसूर है अमला का, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शो में नए नए किस्से, नई नई कहानियां दर्शकों को पसंद आ रही हैं। जैसे जैसे एक एक पन्ना खुल रहा है दर्शकों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। ये शो काफी सीरियस थीम पे बना हुआ है, इसलिए इसे एक अच्छे वर्ग के दर्शक देखना बेहद पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में अमला के रेप केस की खबरें बाहर आने लगी थी। अभीर से मिलने के लिए रिशांत, सुवीर और इवान को डांट भी पड़ चुकी थी। जी हाँ, ये बात इन तीनों के पिता को पता चल जाती है, जिसके बाद तीनों घिर जाते हैं मुसीबत में। लेकिन आने वाले टाइम में जो मुसीबत इनके सर पे टूटने वाली है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल अभीर को फोन करने पर अभी रिशांत का फोन फटाक से काट देता है, लेकिन इवान उससे मिलने चला जाता है और फिर वो अभीर से कहता है कि पता लगाना होगा कि कौन है जिसने रेप की खबर को मीडिया में इस कदर लीक किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड की। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही के पापा कॉल करते हैं रिशांत को और कहते हैं कि अब कल ये सारी खबरें अमला के रेप की मीडिया की हेडलाइंस बन जाएंगी। वहीं देव का दोस्त उसे हिदायत देता है कि अमला को अब भूल जाए वो, क्योंकि अमला के साथ आगे और क्या क्या होगा इस बारे में वो खुद नहीं जानता, क्योंकि आने वाले टाइम में ये केस और भी ज्यादा हो जाएगा खतरनाक। अमला का नाम जब उछलेगा जगह जगह तो देव शायद खुद को संभाल ना पाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपने दोस्त की इस हिदायत पर देव चलेगा या अपनी अमला के लिए वो हर हद को पार कर जाएगा। तमाम खबरों की जानकारी के लिए और अपकमिंग एपिसोड से जुड़े रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, बिकॉज हमारी सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ हैं आपके लिए। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट।